सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ कि BTS मेंबर्स ने कितने बार इंडिया को नोटिस किए हैं। सो यस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। सो सबसे पहले जब इंडिया को BTS ने नोटिस किए थे, तो आपने देखे होंगे कि BTS ने इंडिया के जियो सावन को मेंशन किए थे। ओके, बेसिकली यहाँ पे BTS ने बताए थे कि BTS के सॉन्ग को हम जियो सावन पे भी सुन सकते हैं। सेकेंड टाइम जब BTS ने इंडिया को मेंशन किए थे, सो यहाँ पे BTS ने बताए थे कि आप डायनामाइट सॉन्ग को गाना पे सुन सकते हो। एंड आपको बता दूं कि जब BTS ने इंडिया को मेंशन किया ना, जब आर्मीज को पता चला, देन आर्मीज बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुई। एंड ऑब्वियसली BTS ने इंडिया को नमस्ते कई बार बोला। बेसिकली यहाँ पे BTS ने एक साथ मिलके नमस्ते इंडिया बोले। एंड यहाँ पे BTS मेंबर्स ने बताया कि जो Spotify है, Spotify इंडिया में लॉन्च हुआ ना, तब नमस्ते इंडिया BTS का जो ये नमस्ते बोले थे इंडियंस को, इंडियन आर्मीज को, ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। यहाँ पे शुगा ने बताए थे कि मुझे आशा है कि जो इंडिया के फैंस है, ये और भी ज्यादा सीख पाए Spotify के बारे में। एंड ऑब्वियसली अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जंगकुक ने इंडिया को मेंशन किए थे। सो ये एक वीडियो थी, आई थिंक ये रन BTS का वीडियो है, जिसमें जंगकुक ने बोले थे कि मुझे लगता है कि हमें इंडिया में करना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब BTS ने इंडिया को मेंशन किए, तो ऑब्वियसली उन्होंने Spotify को जो लॉन्च किए थे इंडिया में, इसके बारे में बताने के लिए किम नामजून ने बोले कि मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाया, इंडियन BTS आर्मी। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने भी साथ में बोले कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप Spotify पे हमारे सॉन्ग सुन सकते हैं। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जिमिन शी ने इंडिया को मेंशन किए, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि जिमिन ने इंडिया की मूवी भी देखी है। आप मुझे उस मूवी का नाम कमेंट में बताना, लेकिन यस, यहाँ पे मैं मूवी के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। जिमिन ने एक इंडियन आर्मी के कमेंट को रीड किए थे, जिसमें उस आर्मी ने लिखा था कि लव फ्रॉम इंडिया। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको एक वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था कि कैसे जिमिन एंड जंगकुक ने इंडिया के पनीर को खाए थे। एंड गाइस, इतना ही नहीं, एक बार ना वी लाइफ पे शुगा ने इंडिया को मेंशन किए थे एंड बोले थे कि इंडिया से भी वी लाइफ पे हमें इंडियन आर्मीज देखती है। एंड गाइस, आर्यन ने ये भी बोले थे कि अवार्ड गोज टू इंडिया। जब इस अवार्ड को प्रियंका ने जीता था, जो कि अभी एक जेट पॉप आइडल है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत से वीडियो बना के इन्फॉर्म किया कि नाउ डेज के फैन ने बहुत से इंडियन आर्मीज के कॉमेंट का जवाब दिया है। एंड ऑब्वियसली किम नामजून ने भी इंडियन आर्मी के कमेंट को नोटिस किए थे एंड उनके कमेंट का जवाब ही दिए थे। इसके अलावा BTS ने इंडियन फैन के क्वेश्चन का भी जवाब दिए थे। एंड ऑब्वियसली गाइस, मैंने आपको ये भी बताया था कि BTS के जो जेबों पे उन्होंने नान भी दिए। वेल, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीजें बता सकती हूँ जो BTS ने इंडिया के आर्मीज के लिए किए थे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।